بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بار المسموكات داحي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم توحید اور شرک کے عنوان پر ساتویں تقریر آپ کے ذوق سماعت کے لیے ہدیہ ہے. میں آپ کے مسلسل توجہات کا شکر گزار ہوں. چونکہ ہم فکر میں ایک تسلسل چاہتے ہیں اس لیے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ حضرت متعال نے ذات واجب الوجود نے اس عالم تکوین میں سوا انسان کے کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا. ارض و سما کرہائے سماوی دشت و جبل شمس و قمر کسی کو ریسپانسبل نہیں قرار دیا گیا, یعنی کوئی مسئول نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ساری کائنات ارشاد قدرنا کے مطابق مقدرات عزیز علیم کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دے رہی ہے. صبح کو آفتاب نکلے شام کو غروب ہو, شام کو چاند نکلے صبح کو نظر نہ آئے, تارے نکلے جھلملا جائیں, ہوائیں چلیں, موسم بدلیں, دن کے بعد رات, رات کے بعد دن, یہ سب مقدرات عزیز علیم ہے جہاں مسئولیت نہیں ہے. مسئولیت شروع ہوتی ہے عقل سے, جہاں عقل دی وہاں ریسپانسبل کیا, مسئول ہوا, ذمہ دار ہوا. اور جب عقل جیسی حجت باطنی عطا کی تو لازم یہ تھا کہ اس
बातिनी निगाह के लिए एक नुमाया जाहिरी रोशनी भी हो। आंख देखती है मगर जब तक के खारिज से नूर न आए आंख देख नहीं सकती। घटा टोप अंधेरे में देखने वाली आंखें भी बेकार हो जाती हैं। इसलिए यह लाजिम है कि खारिज से नूर आए। तो बिल्कुल उसी तरह अक्ल को हुज्जत बातिनी करार देकर जाहिरी नूर के लिए हुज्जत जाहिरी भेजे। अंबिया आए, रसूल आए, उसके पैगाम बर आए, और हम जिस दौर में आए मुबारक दौर था, अजब मैमनत वाला दौर था कि जो हमारा हादी आया वो ये पैगाम लेकर आया कि अब नबुव्वत खत्म हुई, अब कोई पैगाम ताजा नहीं आएगा, अब कोई खबर नई नहीं आएगी। और वो हुजज इलाही के सिलसिले में आया। जैसा कि अर्ज किया जा चुका है, मैं अभी अर्ज कर रहा था कि आपकी फिक्र मुसलसल रहे, शैतान के लिए जो एक प्रोग्राम उसने तैयार किया था सजदा न करने के बाद, उस प्रोग्राम में बड़ी अहमियत थी। उसने कहा कि मेरी जिंदगी तो गुजर गई खुदा को एक मानते मानते, अब वो क्या सूरत हो कि जहां गुमराही आम हो। तो उसके लिए एक अजीब और गरीब नुस्खा उसने तलाश किया, और वो तलाश नुस्खा इस तरह से किया गया कि हर नफ्स इंसानी में उतर के उसने कहा, ये जो हुज्जत आई है, ये नूह, ये इब्राहिम, ये मूसा, ये ईसा, अरे ये तुम जैसे ही इंसान है, ये तुम जैसे ही इंसान है, तुम्हारी तरह खाते पीते चलते फिरते सोते जागते हैं, इसलिए ये क्या खबर कि ये क्या कह रहे होंगे। चुनाचे उसने सिलसिले हिदायत में शक डाल दिया। शैतान ने सिलसिले हिदायत में शक डाल दिया। फिरौन मूसा की परवरिश करता है, मगर जब मूसा ऐलान करते हैं कि मैं नबी हूं तो नबुव्वत में शक करता है, नबुव्वत में शक करता है कि तुम तो मेरे पास परवरिश पा रहे थे, आज तुम नबी कैसे हो गए। इब्राहिम उसी कबीले में परवरिश पाते हैं जो कबीला बुत परस्त है। इब्राहिम बुतों को तोड़ देते हैं और कहते हैं मेरी बात मानो। लोग इब्राहिम पे एतराज करते हैं कि कल तक तो आप हमारे साथ थे। तो शैतान चाहता है कि सिलसिले हिदायत मुनकता हो जाए, या सिलसिले हिदायत में शक आ जाए, या ये कि नबी को दुनिया मजनून कहने लगे, नबी को दीवाना कहने लगे, ताकि ये पैगाम ही दुनिया तक न पहुंच सके कि अल्लाह की मर्जी क्या है, और उधर इंसान की मसूलियत मुसल्लम थी। अंबिया ने कोशिशों पर कोशिशें की, यहां तक के सबके खात्मे पर
वो इंसान कामिल वक्मल आया जिसकी उम्मत में होने का हमको शरफ है। नारे तलवार। चुनाचे आवाज आई कि कोई नयापन नहीं है, अनोखापन नहीं है। इन्ना औहैना इलैक, हमने तेरी तरफ वही की है। ये सूरह निसा। इन्ना औहैना इलैक कमा औहैना इला नूहिन व नबीजीन मिन बादिही व औहैना इला इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब व अलअसबात व ايوب و يونس و هارون و سليمان و اتينا داوود زبورا ہم نے اسی طرح سے تیری طرف بھی وحی کی جیسے گزشتگان کی طرف کی تھی، آدم کی طرف، نوح کی طرف، ابراہیم کی طرف اور نوح کی اولاد کی طرف۔ انا اوحینا الی نوح و النبیین من بعدہ، آدم کا ذکر نہیں ہے، نوح کی طرف وحی کی، اس کے بعد کہ انبیاء کی طرف وحی کی اور اس کے بعد کہا کہ یہ سلسلہ وحی آگے بڑھا یہاں تک کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کیا۔ رسلا قد قصصناهم علیک و رسلا لم نقصصهم علیک، کچھ رسول ایسے تھے جن کی ہم نے تفصیل دی، کچھ رسول ایسے تھے جن کی ہم نے تفصیل نہیں دی۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ کو ہم نے کلام کی منزل پر پہنچا دیا، ہم نے موسیٰ کو تکلم کی منزل تک پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے، بشارت دینے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد پھر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی حجت باقی نہ رہے کہ کہاں تھا تیرا ہادی، کہاں تھا تیرا راستہ بتلانے والا، کہاں تھا ہم کو قعر مذلت سے نکالنے والا۔ ہم نے تیری طرف بھی وحی کی، گزشتگان کی طرف بھی وحی کی، راستہ انہوں نے بھی بتلایا، راستہ تو نے بتلایا، اگر کوئی راستے سے انکار کر دے، یعنی اگر کوئی انبیاء کی تکذیب کرے، اگر کوئی انبیاء کو جھٹلائے تو اس نے میرے پیغام کو جھٹلایا، اس نے میری تکذیب کی۔ کل کی گفتگو یہی تھی کہ اتنا اپنا اور اپنے رسول کا نام ساتھ ساتھ لیا اتنی مرتبہ کہ دنیا کو حیرانی ہوئی، دنیا کو حیرانی ہوئی کہ جب اپنا نام لیتا ہے اپنے رسول کا نام بھی لیتا ہے۔ اذیت رسول کو ہے، خدا کو بھی ہے۔ جو لوگ رسول سے لڑتے ہیں اللہ سے لڑتے ہیں، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سب نام ساتھ لے کر یہ بتلانے کی کوشش کی کہ اگر اس رسول کی تکذیب کی، جھٹلایا، تو اب سورہ حج، سورہ نساء میں آپ کس نتیجے پہ پہنچے کہ انبیاء آئے رسول بھی آئے، اور اس لیے انبیاء آئے کہ حجت انسان منقطع ہو جائے، یعنی انسان معبود کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو تو علم نہیں تھا۔ شیطان کی کوشش یہ تھی کہ سلسلہ ہدایت کو منقطع کر دے، سلسلہ ہدایت کو ختم کر دے، یا اس میں رائے شک شبہ نکالے کہ یہ صحیح الدماغ نہیں ہے، صحیح الدماغ نہیں ہے۔ تو ایسی منزل پر ارشاد ہوا قل، تم کہو اے حبیب، پھر وہی قل تم کہو، انما اعیذکم بواحدۃ، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، ایک بات، ایک نصیحت کرتا ہوں، انما اعیذکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا او فرادا، یا تم ایک یا جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، انفرادی طور پہ کھڑے ہو جاؤ،
या इज्तमाही तौर पे क़याम करो अल्लाह के लिए। मेरे लफ्जों पे गौर कीजिए और इस आयत की शान जलालत को देखिए। अंतकूमू लिल्लाह मसना औ फुरादा, या तो दो दो मिलकर खड़े रहो या एक ही खड़े हो अल्लाह के लिए खड़े। भाई क्या करें खड़े होकर, यह ढूंढे कि अल्लाह एक है या नहीं है। खड़े होकर क्या करें, क़याम करके क्या करें, अल्लाह की वहदानियत में अक्ल को दौड़ाएं कि वो किस तरह से एक है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, कुल तुम कहो अईज़कुम बिवाहिदतिन अंतकूमू लिल्लाहि मसना व फुरादा, के जमात के साथ खड़े हो या अकेले खड़े हो अल्लाह के लिए क़याम करो। सुम्मा ततफक्करू, फिर तुम फिक्र करो, मा बिसाहिबकुम मिन जिन्नतेन, तुम्हारा नबी दीवाना तो नहीं है। इतने इंतजाम के साथ कि वो क़याम करो, खड़े रहो, अल्लाह के लिए क़याम करो, फिर फिक्र करो नबी दीवाना तो नहीं है। तो आप ये तो देखें कि नबी की सेहत दिमागी या अदम सेहत दिमाग से तौहीद इलाही पर क्या असर पड़ रहा है। अगर सिर्फ आप मदार दीन को तौहीद पर रख कर आगे बढ़े तो वहीं का हुक्म हो रहा है कि तौहीद वो नहीं कि जहां तुम सिर्फ मेरी जात की एकताई को मानो। तौहीद ये भी है कि मेरे हुक्म को मानो, मेरे फरिश्तादा को मानो, उसके पैगाम को मानो, नहीं उसके पैगाम को मेरा पैगाम जानो, उसके हुक्म को मेरा हुक्म जानो, उसकी मर्जी को मेरी मर्जी तस्लीम करो। मा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम नहीं चाहते हो मगर वही चाहते हो जो खुदा चाहता है। तो इस मंजिल पर तौहीद में वो तजर्रुद जो आप ढूंढ रहे हैं कि जहां हम ये समझे कि किसी बंद गोशे में एक मकान के इंसान सर को झुकाकर बैठ जाए और ये कहे कि हम मुवहिद हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, तो फिर हुज्जतों की क्या जरूरत है, अंबिया की क्या जरूरत है, अहकाम की क्या जरूरत है, कुरान की क्या जरूरत है। और अगर यह कुरान है और पैगंबर का इरशाद है तो फिर यह भी समझना है, यह भी समझना है कि यह तौहीद ही का एक रुख है, तौहीद ही का एक रुख है कि वो कहे वही आई। आपको मालूम है कि हजारों वो बुजुर्ग थे जो पैगंबर से मिलते जुलते हर वक्त आते जाते रहते थे, जिन्होंने अपनी मर्तबत को देखा था, मगर किसी ने कहा है कि मैंने जिब्राइल को देखा। कोई मकाम बता दीजिए कि जिब्राइल मुझे नजर आए, मैंने फरिश्ते को देखा, जिब्राइल की सूरत यह थी। बुराक की तस्वीर तो आपको मिल जाएगी कि बुराक इस किस्म का था, क्यों, इसलिए कि सवारी के तस्वुर में आपने अपनी सवारी से तशबीह दे दी और एक तस्वीर खींच दी, मगर किसी ने जिब्राइल की तस्वीर तो नहीं उतारी। और अगर किसी ने उतारने की कोशिश की मुसलमानों के अलावा तो उन्होंने दो पर दिखलाए
और उसके साथ कुरान मजीद ने पुकार के कहा इन्नल्लज़ीन ला यूमिनून बिल आखिरत लयुसम्मून अल मलाइकता उनसा, जो कयामत पे ईमान नहीं रखते वो मलाइका को मुअन्नस समझते हैं, अल्लाह की बेटियां समझते हैं, परियां समझते हैं, परियां उतरी, परियां आई, वो उस इंसान पे परियां आती हैं, उस औरत पे परियां आती हैं, वही ये पुरानी बातें हैं जो अब तक चली आ रही हैं। यानी फरिश्तों को यह समझना कि ये अल्लाह की बेटियां हैं, वो लोग आखिरत से ईमान नहीं लाते, ये दोनों का रब तो देखिए आयत का, जो आखिरत से ईमान नहीं लाते हैं वो मलाइका को अल्लाह की बेटियां जानते हैं। बहरहाल जिब्राइल को तो किसी ने नहीं देखा और न किसी ने दावा किया। एक अजीब बात है, कमाल जज्ब में किसी सूफी ने भी मुराकबे के आलम में जिब्रील को नहीं देखा, कमाल जज्ब में मुराकबे के आलम में किसी सूफी ने भी जिब्राइल की नक्शा कशी नहीं की कि इस तरह की सूरत थी, पेशानी थी, आंखें थी। वो समझ में ही नहीं आता किस किस्म का फरिश्ता है, किस किस्म का फरिश्ता है। और फिर ये कि वो फरिश्ता है जो आदम के वक्त भी था, आज भी है, आज ये हर नबी को देखा, हर नबी के लिए पैगाम लाया, बड़ा तवील उम्र फरिश्ता है, बड़ी तवील उम्र पाई है, और सुनते ही है कि कयामत तक ऐसे ही रहेगा। तो उस फरिश्ते का तो किसी ने जिक्र नहीं किया कि उसकी तफसील क्या है, उसकी तफसील क्या है। फरिश्ते के मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं के, और पैगंबर ने कहा फरिश्ता आया, फरिश्ता आया। तो किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल जरा आपकी निगाहों से बतलाइए कि फरिश्ते को आपने कैसे देखा, किस शान में देखा, किस तरह से देखा। यहां भी आपको तफसील नहीं मिलेगी, यहां भी आपको तफसील नहीं मिलेगी, फकत ये कि फरिश्ता आया और वही आई, वही आई। तस्लीम की मंजिल यह थी कि मुसलमान ने कहा हां वही आई, या न किसी गवाह की जरूरत थी, न किसी शहादत की जरूरत थी, किसी चीज की, किसी चीज की जरूरत नहीं थी, कहा कहां वही आई। या कुरान है, या अल्लाह का कलाम, या अल्लाह का कलाम है। 6236 आयतों पे खत्म करके कहा या अल्लाह का कलाम, या कुरान। अब उसमें अगर तकरार पे तकरार करे किसी सूरे में 31 दफा फबे अय्याला रब्बे कुमा तो का जबान, जब भी अल्लाह का कलाम, और अगर सूरह मुरसलात में 8 मरतबा कहे वैलुन यौमैज़िन लिल्मुकज़्ज़िबीन, वैल हो झुटलाने वालों के लिए, जब भी अल्लाह का कलाम। यानी इतने तकरार के बाद भी ये अल्लाह का कलाम। किन किन नेमतों को झुटलाओगे 31 मरतबा एक सूरे में, 55वें सूरे में अल्लाह का कलाम। और इस मंजिल पे पहुंच के अब बार बार ये गुस्सा कि झुटला रहे हो, तो पैगंबर को तसल्ली दी आप सूरह हज, वहीं यू कज़्ज़बू का, अरे रसूल अगर तुझे ये लोग झुटलाए। बहुत गौर से सुनिए, अगर ये तुझे लोग झुटलाए, ये लोग तुझे झुटलाए, इन यू कज़्ज़बू का, फकत कज़्ज़बत क़ब्लहुम قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى, तो तुझसे पहले इब्राहिम की कौम ने इब्राहिम को झुटलाया, नूह की कौम ने नूह को झुटलाया, आद ने अपने पैगंबर को झुटलाया,
समूद ने अपने पैगंबर को झुटलाया और इस तरह से कौम आद और समूद ने कौम इब्राहिम और लूत ने भी झुटलाया है वह कुज्जबा मूसा और मूसा को भी झुटलाया गया। फअमलैतु मैंने मोहलत दी, मैंने मोहलत दी मगर फअक़स्तुहुम फिर उसके बाद जब मैंने उनका गला दबाया तो कैफ काना नकीर फिर उनको पता चला कि इनकार का अंजाम क्या होता है और मुनकिर का मकाम क्या होता है। नतीजा ये हुआ कहयुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा वहिया ज़ालिमतुन फहिया ख़ालियतुन अला उरूशहा व बिर मुअत्तला व क़स्र मशीद। मैंने बड़े बड़े शहरों को तबाह कर दिया, मैंने बड़े बड़े ममालिक को तबाह कर दिया फकत इसी बात पर कि उन्होंने नबी को झुटलाया था और ज़ुल्म किया था। कायम मिन क़रियतिन अहलकनाहा वहिया ज़ालिमतुन हमने बड़े बड़े मुल्क तबाह कर डाले, हमारे इज्जत और जलाल के सामने कुछ नहीं है। तकजीब नबी की, नबी की तकजीब की, हमने ममलिकतों को तबाह कर दिया। अब आपने देखा कि बेरी मुअत्तला व क़स्र मशीद ख़ावियतुन अला उरूशहा ऐसा मालूम हो गया था कि किसी मालूम होता था कि किसी ने शहर को उलट दिया है। इनकी छतें जमीन पर थीं, इनके कुएं वीरान हो चुके थे, इनके महलात शाही जमीन पर ढेर कर दिए गए थे। अब पल्लम यसीरू फिलहाल क्या अब भी जमीन पर निगाह न दौड़ाओगे? فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها کہ کاش عقل رکھنے والے دل پیدا ہو جائیں سننے والے کان آ جائیں فانها لا تعمل ابصار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولكن تعمل قلوب التي في الصدور سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں और से सुन बहुत ही इल्मी गुफ्तगू सीने में दिल अंधे हो जाते नबी की तकजीब की इनके दिल अंधे हैं आंखों को तो नजर आ रहा है तामल कुलूब इनके दिल अंधे तो हबीब घबराना नहीं अगर तेरी तकजीब करें मैं ये कह के आ रहा हूं कि अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे وہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ تو تم سے پہلے ہر نبی کو جھٹلایا ہم نے بھی اس کے بدلے میں ان کے شہروں کو ویران کر دیا یہ نہیں کہ انہوں نے خدا کو متعدد ماننے کی کوشش کی میں نے تباہ کیا انہوں نے میرا شریک بنایا میں نے تباہ کیا ذات واجب ہر اس فکر سے بلند ہے اگر تم اس کا کسی کو شریک بناؤ تو وہ تمہارے ذہن میں شریک ہے تمہارے نفس میں شریک ہے اموال و اولاد میں شریک ہے ذات واجب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا مگر نبی کی اگر تکذیب کرو اگر نبی کو جھٹلاؤ تو اس کے پیغام کو روکو گے کہ پیغام کو روکو گے نتیجہ ہے شیطان نے یہی کوشش کی کہ نبی کو جھٹلاؤ نبی کو جھٹلانے کی کوشش بس یہی کہ نبی دیوانہ ہے اور بار بار قرآن نے کہا ما زل صاحبکم وما غوا تمہارا ساتھی بہکا نہیں ہے تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا ہے ام لم یعرفوا رسولہم انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا ام یقولون بہی جنہ
क्या ये अपने नबी को दीवाना कहते हैं? अपनी मर्तबत के लिए इरशाद हो रहा है, हम यकुलूना बे जिंदा, क्या ये नबी को दीवाना कहते हैं? मगर सूरत हाल ये थी कि जहां शक बैठ गया था दीवानगी का, वो आखिर तक गया, वो आखिर तक गया और दिल में ये बात रह गई कि शायद दीवानगी है। और नबी कह रहे थे कि नहीं, मेरी मंजिलत को इस कुरान में देखो, यह कुरान वही है। इन्नका लाला खुलक अजीम, तो खुलक अजीम है। कई फैजा जैना मिन कुल उम्मत इन बेशहीदिन व जैना बेकाला हाउला शहीदा, हर उम्मत अपने गवाह को लेकर आएगी और तुम इन तमाम गवाहों पर गवाह रहोगे। और ए हबीब मुझ पर तो गवाह, मेरी तौहीद पर खुद मैं हूं, मलाइका हैं, साहिबान इल्म हैं, जाहिलों की गुफ्तगू ही नहीं है। क्या गवाह? जाहिलों की जो गुफ्तगू ही नहीं है। मगर हबीब अगर ये लोग तुम्हारे मसले में शक करें, यकुलु लजीन कफरू लस्ता मुरसला, अगर काफिर ये कहे कि तू मुरसल नहीं है, कुल कफा बिल्लाही शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, तो मेरा गवाह अल्लाह है तुम्हारे और मेरे दरमियान। दो गवाह चाहिए ना तुमको? तुमको दो गवाह चाहिए? मेरे पास दो गवाह, एक अल्लाह, एक वो जिसके पास इल्म किताब है। आए आप सिलसिले कलाम को समझ रहे हबीब, अगर तेरे बारे में शक करें तो तू कह दे मालिक, ये कौन सा इंसाफ है कि दो गवाह में से एक गवाह तो नजर नहीं आता है? यकुलु लजीन कफरू लस्ता मुरसला, कुल गवाह बिल्लाही शहीदन बैनी व बैनकुम, अल्लाह शहीद है, अल्लाह गवाह है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और जिसके पास इल्म किताब है, तो उसके माना यह कि अल्लाह गवाह है। तो इससे पहले कह चुका है रसूल कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। तो इस तरह से कलाम इलाही को गवाह बनाया, कलाम इलाही के आलिम को गवाह बनाया और कहा कि ये दो गवाह हैं जो कयामत तक जाएंगे, ये दो गवाह हैं जो कयामत तक जाएंगे। कलाम इलाही भी रहेगा, आलिम भी रहेगा, दोनों को अलग करने की कोशिश न करो। आपने देखा, वो दो गवाह पैगंबर कयामत तक के लिए छोड़ते हैं, वो दो गवाह छोड़ते हैं, अपने लिए छोड़ते हैं, उनकी रिसालत के गवाह हैं, एक किताब दूसरे आलिम किताब। और इस तरह से आलिम किताब की जरूरत गवाही के लिए लाजिम हो जाती है। ये आखिरी मंजिल तौहीद की जिद शिर्क है। शिर्क की मंजिल यह थी कि एक के तीन हिस्से हुए, ईसा, मरियम, रूहुल कुदस, ट्रिनिटी इन यूनिटी, तसलीस फित तौहीद। और नतीजा यह हुआ कि रसूल यहूदियों से लड़ते हैं, रसूल मुशरिकीन अरब से लड़ते हैं, कुफार कुरैश से लड़ते हैं, यानी लड़ाइयों का सिलसिला यह है कि हिजरत, बदर,
احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے 87 غزوات. رسول سب سے لڑے مگر صرف ایک قوم تھی جو رسول سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ کرسچنز تھے. نصرانی تھے، ان سے کوئی پیکار نہیں ہوئی. اور سورہ برات کی آیتیں بھی آ گئی، مشرقین کو کعبہ جانے سے روک بھی دیا. ایسے موقع پر ایک مرتبہ ایک کو تین اور توحید میں تسلیس کو دیکھنے والے اپنے تقدس، اپنی طہارت، اپنی روحانیت، اپنی غیر متاہلانہ زندگی، یہ الفاظ میرے سمجھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے شادیاں نہیں کی تھیں، ان کی طویل داڑیاں، ان کے سپید کپڑے، ان کے ابرو، ان کے آنکھوں کو چھپاتے ہوئے، اور جب راستے سے چلے تو دنیا یہ سمجھے کہ اگر یہ لب ہلا دیں گے تو یقیناً آثار غضب پیدا ہو جائیں گے. ایسے موقع پر اس شیر کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ ادھر سے نکلے اور سیدھے رسول کی مسجد میں آئے، ناقوس کو پھونکا اور رخ بدل کے اپنے زانوؤں پر کھڑے ہو کے عبادت کی. صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول ہماری مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، کا پرواہ نہیں، عبادت کرنے دو، عبادت کرنے دو، پوچھیں گے کہ ان کا منشا کیا ہے. عبادت کے بعد رات ہو چکی، رسول نے پوچھا کیا منشا ہے، جنگ کرو گے، فوجیں آئیں گی؟ کہا نہیں، آپ سے لڑیں گے نہیں، آپ سے لڑیں گے نہیں. کبھی کیا کرو گے؟ کہا ہم استدلال چاہتے ہیں، حجت چاہتے ہیں. ایک مرتبہ رسول نے آگے بند کی، جبرائیل آئے اور آیت آئی، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم کے آ جانے کے بعد اگر کوئی استدلال چاہے تو کہہ دینا حجت کا موقع نہیں ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یہ رات کی گفتگو تھی، یہ رات کی گفتگو تھی کہ کل صبح کو ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہماری عورتیں بھی آئیں گی، تمہاری عورتوں کو تم لاؤ، ہمارے نفوس کو ہم لائیں گے، تمہارے نفوس کو تم لاؤ. اللہ کے رسول مقابل میں راہب ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے. آپ کس کے بیٹوں کو بلا رہے ہیں؟ آپ کس کی بیویوں کو بلا رہے ہیں؟ مگر نہیں نہیں، توحید کے منافی نہیں ہے رسول کی ازدواجی زندگی، توحید کے منافی نہیں ہے رسول کا صاحب اولاد ہونا. نصارہ نجران سے کہا، لاؤ تمہارے بیٹوں کو، ہمارے بیٹوں کو لاتے. انہوں نے سر جھکا لیا، انہوں نے سر جھکا لیا. اور یہاں پھر ایک مرتبہ گفتگو،
मक्के में कुछ मुसलमान हो चुके थे, हिजरत के बाद बहुत से मुसलमान हुए, बदर के बाद और मुसलमान हुए, खैबर के बाद तो बड़ी कसीर तादाद थी जो दस्ते रिसालत पनाह पर इस्लाम ला चुकी थी। और फिर फतह मक्का के बाद तो सारा मक्का मुसलमान था। और नजारा नजरान वाली गुफ्तगू में मदीने का एक एक आदमी उस रात को इस बेचैनी में गुजार रहा था कि सेगे सब जमा के हैं, मुमकिन है उम्मत के बच्चे आए, मुमकिन है उम्मत की बीवियां बुलाई जाए, मुमकिन है उम्मत के नफूस आए। मगर रात गुजर जाने के बाद जब सुबह हुई और नबी निकले तो हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना अशरफ अली थानवी तहरीर फरमाते हैं हाशिए पर कि अबना में दो नवासे निकले, निशा में एक बेटी निकली, नुफूस में एक ही नफ्स निकला, एक नफ्स। जंग है तौहीद और शिर्क में, जंग है तौहीद और शिर्क में। और लड़ाई फौजों की नहीं है, इस जंग को फौजें सर नहीं करती, या माल गनीमत नहीं मिलता, यहां अमवाल तकसीम नहीं होते। तौहीद और शिर्क में जो जंग होती है वहां फैसला बद्दुआ पर होता है। बहुत गौर से सुनिए मेरी पूरी बहस, अगर आपके जहन में नहीं है तो आप इस आयत को, अब मुमकिन है कि वहां तक ना पहुंच सके जहां मैं ले जाना चाहता हूं, मैं जरा सा आपको समझाने की तो कोशिश करूंगा। तौहीद और शिर्क की लड़ाई में अम्बाल नहीं है जेरे बहस, गनाइम नहीं है जेरे बहस, असाकिर नहीं है जेरे बहस, वह फौजें नहीं है, लश्कर नहीं है, वहां बद्दुआ है। और बद्दुआ किस पर है, किस पर है बद्दुआ? मुशरिकीन पे नहीं, काज़िबीन पे, झूठों पर। अगर ये तुझको झुटला रहे हैं तो तुझसे पहले नूह को झुटलाया, इब्राहिम को झुटलाया, मूसा को झुटलाया, असहाब मदयन ने झुटलाया, असहाब लूत ने झुटलाया, सबों ने झुटलाया, तुझे झुटला रहे हैं। हम बतलाएंगे इनको, हम इनसे इंतकाम लेंगे। तो तौहीद और शिर्क की लड़ाई और काज़िबीन पे लानत। قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم آل عمران کی آیت ہے وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ تو حضرت شیخ الاسلام مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ علی فاطمہ حسن حسین اور رسول گئے، और मैंने किसी मौके पर अर्ज किया कि हजरत शेख अब्दुल कादिर ने अपने हाशिए में लिखा कि हजरत अली गए, हजरत फातिमा गए, हजरत रसूल गए और इमाम हसन गए, इमाम हुसैन गए। लफ्ज इमाम को उस उम्र में इस्तेमाल किया बच्चों के साथ। बहरहाल आपने देखा
कि जब ये लड़ाई छिड़ी और जब इस तरह से बाहर निकले तो मोहियुद्दीन अरबी फरमाते हैं कि जब रसूल मुबाइले के लिए बाहर आए तो बेख्तियार इस शान से आए कि गोद में हुसैन, हाथ में हसन का हाथ थामे फातिमा, फातिमा के पीछे अली, ये लश्कर चला अल्लाह वालों का, कलमा गो सब थे। मगर नुमाइंदगी करने के लिए अम्र हक की चुन लिया इन पांच को, जाते वाजिब ने कहा तुम जाओ, तुम जाओ। वो गए, उन्होंने सूरत देखी और कहा कि हम मुबाहला नहीं करते, हम मुबाहला नहीं करते। आए तो मुबाहले की आपको याद हो गई ना, लाओ तुम्हारे बेटों को लाते हैं हम हमारे बेटे, लाओ तुम तुम्हारे नफ्सों को लाते हैं हम हमारे नफ्स, लाओ तुम्हारी औरतों को लाएंगे हम हमारी औरतों को, उसके बाद मुबाहला करेंगे और करार देंगे अल्लाह की लानत झूठों पर। तो आपने देखा शिर्क व तौहीद का अंजाम सिद्क व किज़्ब है कि सादिक कौन है और काज़िब कौन, और जो नबी को झुठलाए, अब तो आप समझ गए, जो नबी को झुठलाए वो मुवहिद नहीं रह सकता। जो नबी को झुठलाए वो मुवहिद नहीं रह सकता, नबी को झुठलाए वो मुवहिद नहीं है, इस वास्ते कि वो फकत ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मुहम्मद रसूलुल्लाह न कहे। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और मुहम्मद रसूलुल्लाह न कहे वो मुवहिद नहीं है, अगर जो खुदा को एक माने, इसलिए कि खुदा ने इतनी मर्तबा अपने साथ अपने रसूल का नाम लिया है कि हबीब हबीब हर आन हर लहजा मा तकून फी शानिन व मा तत्लू मिनहु मिन कुरान सूरह यूनुस व मा तअमलून मिन अमल इल्ला कुन्ना अलैकुम शहूदा। रसूल तुम कुरान पढ़ो, तुम किसी हालत में रहो, कोई काम करते रहो, हमारी निगाहें तुम पर लगी हुई हैं, इतना कुर्ब तमाम है, इतना कुर्ब तमाम है। और ऐसे मौके पे तकजीब रसूल, रसूल को झुठलाना, अपने आप को दायरे तौहीद से हटा लेना है। अब बातें समझ गए, अब रसूल की तकजीब, यह आखिरी जुमला, रसूल की तकजीब, रसूल की तकजीब उसके हुक्म से इनकार, कोई हुक्म दे रसूल और ये न माने, तकजीब रसूल है। अब वो छोटा सा हुक्म सही या कोई अहम हुक्म सही, उसमें कोई फर्क नहीं है कि कहां झुठलाया कहां नहीं झुठलाया। कोई मसलहत वक्ती कोई मसलहत जमानी इस बात की मजबूर नहीं कर सकती कि रसूल की तकजीब की जाए, रसूल को झुठलाया जाए। अगर ये जहन में है तो फिर आप देखेंगे कि जिसका कुल हराम है उसका जुजो हराम, वरना आप ये करेंगे कि कुल को तो माना मगर जुजो की तकजीब कर दी। बातों को समझ लिया कि भाई शराब भरपूर सागर हराम है मगर कुछ खतरे आपने कुछ खतरों तक तकजीब की। सूद ज्यादा लिया जाए तो हराम है, जरा सा कुछ जरा सा
तो वहां तक तकदीब की। आपने सोचा तो जहां तक आप तकदीब करेंगे वहां तक आप शैतान की इताअत करेंगे, इसलिए कि शैतान का मंशा ही है कि नबी को झुटलाया जाए, नबी को झुटलाया जाए, गुफ्तगु खत्म हुई। नबी ने जहां एक एक हुक्म पर एक एक हुक्म पर यह चाहा और तकरार की कि देखो यह ख्याल रखना, यह ख्याल रखना, देखो पड़ोसियों का ख्याल रखना, देखो यतीम बच्चों का ख्याल रखना, देखो बेवा औरतों का ख्याल रखना, देखो जंग के कैदियों का ख्याल करना, देखो अगर जिहाद करना तो भागते हुए इंसानों पे हमला नहीं करना, देखो अगर जिहाद करना तो जंग के मैदान में अगर काफिर मारा जाए तो उसके सर को न काटना, देखो अगर जिहाद करना तो फिर मरने वालों की लाशों पर उसके अजीजों को न लाना। इतनी तफसील दे दी, एक एक चीज की तफसील दी, एक एक चीज की तफसील दी। और अब वो वक्त आया कि जहां ये कहा गया कि अगर पड़ोसी कुछ मांगे तो देखो अगर तुम पे तकलीफ भी गुजर जाए तो रद्द न करना। यमनाउन अल माउन, ये इस्तलाह है कुरान में कि वो लोग पड़ोसियों की बातों को रद्द कर देते हैं कुछ मांगे। ऐसे रसूल की औलाद आज पानी मांग रही है, सातवीं मुहर्रम है आज, पानी। क्या मैं तारीख से हट गया? क्या आपने तारीख को नहीं पढ़ा? पानी, कितनी अजीब बात है, बच्चा बाप से कोई बहुत बड़ी चीज मांगे, कोई बड़ी चीज मांगे, हमको घर चाहिए, हमको सवारी चाहिए, तो बाप समझा सकता है बाबा हमारी इस्तेतात में नहीं है, मगर बच्चा अगर बाप से कहे बाबा पानी पानी, तो इस दिल का क्या हाल हो जब बाबा ये कहे हाय बेटी, हाय बेटी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं सकीना, क्या करूं, मिलता है बस जिद न करो, शहने का बस सब्र करो, बाप को जानी, शहने कहा बस सब्र करो बाप को जानी, कुछ देती हो अब्बास को पैगाम दबा, ऊदे है लबे लाल ये है तशना दहानी, मिलता है तो बीबी के लिए लाते हैं पानी, महबूब इलाही के नवासे हैं सकीना, हम भी तो कई रोज से प्यासे हैं सकीना।